सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बुराई भी होने जरूरी है क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। नजर अंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करती हैं, क्योंकि वो उसी जगह रहने लायक हैं आपके पीछे। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसके विचारों का समूह होता है, जो वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आज का पंचांग 30 मई 2023 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 1:08 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 6 बजे तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:38 से 5:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 30 मई 2023 दिन मंगलवार, आप अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में हैं, लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें। आपके पास अच्छे संचार कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। तनाव घटाने के लिए किसी साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन सारे आनंद के चक्कर में ना पड़े। हालांकि आप अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में स्थापित हैं, पर आज आप अपने कार्य में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। किसी चीज को लेकर आप में असंतोष की भावना आज आपको परेशान करेगी। हालांकि अभी अपनी नौकरी छोड़ने का कदम बेवकूफी भरा भी होगा। ये क्षणिक भावनाएं हैं जिससे आप गुमराह हो सकते हैं, इसीलिए आज किसी भी प्रमुख करियर निर्णय लेने से बच कर रहें। आज किसी के साथ पैसों का लेन देन ना करें, वरना आपका पैसा कहीं फंस सकता है। आज आपकी आमदनी कम और खर्चे अधिक रहने वाले हैं। घर परिवार में खुशहाली रहने वाली है। सभी सदस्य अपने अपने कामों को लेकर व्यस्त देखे जाएंगे। बच्चे आपकी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे। साथ ही आज आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। सकारात्मक परिणाम दिन लेकर आया है। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत के अनुसार फल मिलने से खुशी होगी। आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन अच्छा है। आपको व्यापार में अच्छा धन मिलने से प्रसन्नता बनी रहेगी। सावधानियां, आपका कोई काम आज आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है बेवजह, जिसके कारण तनाव भी बना रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके लिए खुशियां मनाने का समय है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत खुशी मिलेगी, जैसे बेहतरीन साथ का एक और वर्ष पूरा होने या परिवार में नए मेहमान के आने की खुशी। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है उनके रिश्ते को परिवार वालों की ओर से, जो काफी समय से इस रिश्ते का विरोध करते आ रहे हैं, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। कार्य क्षेत्र में विरोधियों की आलोचना पर ध्यान ना देकर अपना काम करते रहें। साथ ही आपको सलाह है कि आज आर्थिक मामलों में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, इसीलिए ज्यादा संभल कर रहें। बात करते हैं सेहत की। सर्दी जुखाम से संबंधित कोई परेशानी देखी जा सकती है। एकदम ज्यादा ठंडे पदार्थों का भी सेवन ना करें। आज आपके मन में आएगा कि मैं अपना खाना पूरी तरह बदल दूं, यहाँ तक कि आप पूरी तरह शाकाहारी होने का निर्णय भी ले सकती हैं, या आप ताजा फलों, ताजा सब्जियों और मछली से बने सामान्य घर के बने खाने को पसंद करना शुरू कर सकती हैं। आप मसालेदार या भारी खाना नहीं खाएंगे, अब आप हल्का फुल्का और साधारण खाना पसंद करेंगे। इससे आप में काफी ऊर्जा आएगी और आप काफी युवा भी दिखेंगे। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ हो।